Hey guys, how are you? Welcome back to my new blog and good morning to all of you. तो guys, आज मैं आलू एंड टमाटर की सब्जी बना रही हूँ नाश्ते में एंड पूरी. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूँ. तो अभी देखो मैंने बनाना शुरू कर दिया है. थोड़ी सी लेट हो गई मैं वीडियो स्टार्ट करने में क्योंकि प्रिपरेशन में थोड़ी सी ज़्यादा ही बिजी हो गई थी. तो guys, अभी देखो मैं ऑयल एंड जीरा डाल चुकी हूँ. फिर मैं रेड मिर्च एंड तेज पत्ता डालूँगी जो कि देखो अभी मैं निकाल चुकी हूँ तेज पत्ता और इसे मैं डालूँगी. तो गैस मैंने डाल दिया है और रेड मिर्च का मैं तड़का लगाऊँगी. मैं इसे फ़ौरन भी बोलती हूँ तो मैं फ़ौरन में डालूँगी. तो गैस मैं डाल चुकी हूँ. अभी मैं इसमें अब टमाटर डालूँगी. बहुत सिंपल होता है गैस, इसमें कुछ नहीं करना होता. बस मैं तो बहुत सिंपल बनाती हूँ. इसमें अभी मैं वो टमाटर डालूँगी और थोड़ा सा मैं दो चार ग्रीन चिली डाल रही हूँ. ये फ्लेवर के लिए या फिर बोले कि देखने में अच्छा लगता हो इसलिए मैं डाल रही हूँ. मेरे को थोड़ा सा मिर्ची आता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. गाइस ये देखो मैं टमाटर डाल चुकी हूँ. अब मैं इसे थोड़ा देर फ्राई करूँगी. देन मैं इसमें मसाला डालूँगी. तो आप देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं कैसे बना रही हूँ. आई होप आप लोगों को पसंद आए ये रेसिपी. और बहुत सिंपल है, आप लोग घर में बनाइए पूरी के साथ. स्पेशली ये पूरी वाली ही सब्ज़ी है. आप पूरी के साथ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा. तो टमाटर को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ, हरी मिर्च. देखो गाइस टमाटर का कलर अब अपने आप मतलब भूनते भूनते आने लगा है. अब मैं इसमें नमक डालूँगी, फिर हल्दी डालूँगी. थोड़ी देर और चलाने के बाद तब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी. तो एक्चुअली गाइस मैंने इसमें 6-7 आलू लिया था. तो 6-7 आलू के अकॉर्डिंग मैंने तीन बड़े बड़े टमाटर मैंने डाले हैं. मतलब बड़े बड़े ही थे, मीडियम साइज नहीं थे. बड़े बड़े टमाटर मैंने डाले हैं ताकि ये थोड़ा सा खट्टा का फ्लेवर आ. मैं इमली बहुत कम डालती हूँ, मतलब ना के बराबर ही डालती हूँ. अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके. अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ इमली, प्रेफर नहीं करती हूँ. टमाटर ही इसका अच्छा टेस्ट ले आता है. देखो अब धीरे धीरे टमाटर पक रहा है और ये तेल भी देखो अब तेल निकल कर आ रहा है भून कर ये टमाटर. अब मैं इसमें मसाला डालना शुरू कर रही हूँ. ये धनिया पाउडर है, मैं इसमें 1-1.5 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स. देन ये रेड चिल्ली, लाल मिर्च, ये ज़्यादा नहीं डालूँगी. मेरे यहाँ तीखा थोड़ा कम खाते हैं लोग तो ये 1/2 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा था. देन मैंने जीरा पाउडर डाला, ये अब गुड़ की पाउडर है और सारा कुछ का मैं पाउडर ही रखती हूँ. तो मैं पाउडर डालना प्रेफर करती हूँ, बनाकर मैं पहले ही रख लेती हूँ पाउडर. अरे देखो ये इतना अच्छा कलर आएगा इस टमाटर का तभी फिर मैं डालूँगी. ये देखो मेरी बेटी एनी आलू लेने आई है. तो गाइस हाँ मैं ये बता रही थी कि अब मैं इसमें पहले कस्तूरी मेथी पत्ता डालूँगी. फिर हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी गाइस, मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही हींग डाल दिया था क्योंकि हींग इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, इसलिए मैं इसमें हींग डालती हूँ. तो गाइस ये देखिए ये टमाटर और सारा मसाला जो है अब भूनकर तैयार हो चुका है. अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी पत्ता डालूँगी. कस्तूरी मेथी पत्ता इसमें मैं अच्छे से यूज करती हूँ, वो भी बहुत मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी अगर आप बनाए तो उसके बिना बिल्कुल भी अधूरी है. वो सब्ज़ी तैयार ही नहीं हो सकती है तो आप समझिए कितना ज़रूरी है उसको डालना. तो मैं अच्छे से डाल रही हूँ. ये देखिए कस्तूरी मेथी पत्ता है.
अब ये मैं थोड़ा सा भूनूंगी, देन फिर मैं आलू डालूंगी। तो ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है गैज। अब देखिए ये आलू है, बड़े बड़े आलू लिए थे मैंने, 6-7 पीस आलू थे। अभी देखिए ये सारा आलू अब कढ़ाई में जाएगा। इसे मैं ज़्यादा देर नहीं भूनती हूँ, ये आलू पका हुआ रहता है और मतलब मैं पहले ही उबाल ली थी इस आलू को, तो ये ज़्यादा देर नहीं भूनती, बस मसाला अच्छे से मिल जाए सारे आलू में, देन में पानी डाल दूँ। तो गैज ये देखिए अब लगभग सारे आलू में मसाले मिल चुके हैं। अच्छे से मैं इसे मिला देती हूँ पहले, और थोड़ा सा मैं इसे मैश कर दे रही हूँ बढ़िया से, ताकि ये छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी गैज, पानी अच्छे क्वांटिटी में मैं डालती हूँ, ताकि ये सब्जी थोड़ा सा पानी रहता है तभी अच्छा लगता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई करूँगी। अभी और मसाले देखिए साइड साइड में नहीं मिल पाए हैं, तो इसे मैं मिलाऊंगी। देन मैं इसमें अब 2.5 से 3 गिलास में पानी डालूंगी इसमें, ताकि उबल कर थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में पानी बच सके। ये देखिए गाइस अब सारा मसाला मिल चुका है सब्जी में, आलू में। अब मैं पानी डालूंगी इसमें, मैं इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी डालूंगी, 1 गिलास हो चुका है। अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा चलाकर देख लेती हूँ किस क्वांटिटी में पानी हुआ है अभी इसमें। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी गाइस, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हमने बताया था कि अभी मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूँगी वीडियो पे, तो एज आई प्रॉमिस्ड यू मैं कंटिन्यूटी बनाए हुई हूँ चैनल पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, ये देखिए मैं 2 गिलास पानी डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी। तो ये सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मैंने तो 6-7 आलू के अकॉर्डिंग बनाए थे। आप मतलब किस तरह की फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, इंडिविजुअल में रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले, इसमें टमाटर एंड आलू उसी हिसाब से आप डालिए, और ये सब्जी बनाकर देखिए, बहुत सिंपल एंड बहुत डिलीशियस, एंड पूरी के साथ एंजॉय कीजिए। तो गाइज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताने वाली थी, बहुत ही अच्छा न्यूज़, गुड न्यूज़। एंड ये पूरी सब्जी बनाने का एक और पर्पस था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वी हैव कम्प्लीटेड 1K सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन लोगों ने मुझे एंड मेरी बेटी एनविका को इतना सारा प्यार दिया। हमने फर्स्ट प्रॉ तो पार कर लिया है, तो ये उन सब के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड ये पूरी सब्जी आप लोग भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। ओके गाइज, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, बहुत सारा वाला थैंक यू। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए न्यू न्यू वीडियो, यानी कि क्यूट मोमेंट, यानी अभी तो यानी कि बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। अभी मैंने बहुत सारा शूट किया है, और भी मैं उसके छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करने वाली हूँ, तो अब मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बहुत सारा प्यार कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली को बताइए। ओके गाइज, तो गाइज ये देखो ये सब्जी बनकर तैयार है, मेड बाय मी, इट्स लुक डिलीशियस ना। तो अब मैं पूरी बनाने जा रही हूँ, आज का नाश्ता पूरी एंड आलू टमाटर की सब्जी।
तो गाइस ये देखो फुली फुली पूरी एंड अब हम लोग नाश्ता करेंगे और ये पूरी भी बनकर तैयार है। तो ये देखो जिस चीज़ को खानी है तो वो लोग सब लोग आ जाएं और हमारे वीडियो को थ्रू आप लोग भी खा लीजिए। टेक केयर, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस नाश्ते को एंड थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।